नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू टमाटर और तोरई की सब्जी। तोरई दो तरह की आती है, एक अर्रो तोरई बोली जाती है जिसके ऊपर धारियां पड़ी हुई होती हैं, और एक चिकनी तोरई। आज हम अर्रो तोरई की सब्जी बनाएंगे। तो हम सब्जी बनाना शुरू करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी ये व्रत की रेसिपी सब्जी कैसी लगी। व्रत में खाने के लिए तोरई की सब्जी बनाने के लिए 3 तोरई ली हैं, 2 आलू लिए हैं, एक आलू बड़ा है और एक मीडियम साइज का है। ये 4 लोगों के लिए सब्जी पर्याप्त है, क्योंकि तोरई पकने के बाद बहुत थोड़ी सी रह जाती है। और हमने लिए हैं 5 टमाटर, 3 ग्रीन चिली और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। टमाटर ज्यादा डालने से तोरई की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसे रिच गार्ड भी कहा जाता है, और कई जगह इस वाली तोरई को, इसको अर्रो तोरई भी कहा जाता है। 2 तरह की तोरई आती है, एक ऐसी धारी वाली और एक चिकनी। हम दोनों तरह की तोरई से ऐसी सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहले हम तोरई के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। तोरई हमने बहुत अच्छी तरह से धो के ली थी, और जब भी आप तोरई खरीदें तो ये ध्यान रखें कि नरम होनी चाहिए, इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। ताजी तोरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब हम एक एक करके सारी तोरई को छील लेंगे, इसको निकाल के अलग रख देंगे। इसके ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का बस इतना छिलका उतारेंगे, क्योंकि तोरई हमारी बहुत ताजी है, ज्यादा टाइट नहीं है, इसलिए ज्यादा छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। ऐसे उतारेंगे बस। आपको अगर ज्यादा छिलका उतारना हो तो आप इस स्टेज तक भी छिलका उतार सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी छिलका उतार के इसको साफ कर सकते हैं। तो अब हम तोरई साफ करते हैं। इसी तरह से हम आलू को भी पील कर लेंगे, इसके भी ऐसे छिलके उतार लेंगे। तोरई काटते समय एक चीज का ध्यान रखना है, हर तोरई में से छोटा सा टुकड़ा लेके आप इसे चखें मुंह में लगा के। ये कड़वी तो नहीं है, अगर ये कड़वी है तो आपकी पूरी सब्जी खराब कर देगी। कड़वी वाली तोरई को अलग निकाल दें आप। इतने छोटे छोटे टुकड़े करके चखने की जरूरत नहीं है, आप साबुत तोरई लेकर ही चख सकते हैं। अगर कड़वी है तो उसे काटो ही मत। सारी सब्जी हमने काट ली है, काटने के बाद एक बार और धोई, आलू पानी में डाल दिए हैं। अगर आलूओं को बाहर रखो तो ये काले पड़ जाते हैं, और इसको एक बार पहले धोया था काटने से पहले, और अभी काट के धोया। इस तरह के पीसेस रखने हैं तोरई के। टमाटर भी काट लिए हैं, और हमने लिया है 3 ग्रीन चिली, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको हमने ऐसे काटा है। ये देखिए, इस तरह से। सब्जी छौंकने के लिए जीरा लिया है, काली मिर्च ली है स्वादानुसार, और नमक आप स्वादानुसार लें। कुकर हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे। एक चम्मच जीरा डाला है, जीरा हमारा चटक गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। ग्रीन चिली डालेंगे, अदरक डालेंगे, अब आलू डालेंगे इसमें। अब हम टमाटर डालेंगे। अब हम तोरई डालेंगे। सारी तोरई डाल देंगे ऐसे ही। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि तोरई में खुद में भी पानी छूटता है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे।
कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, इसमें 3 सीटी आने देंगे, क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल घुटके जब आपस में मिल जाती है तब बहुत अच्छी लगती है। आप सोच रहे होंगे मैंने नमक अभी तक नहीं डाला और काली मिर्च भी नहीं डाली, तो नमक बाद में डालेंगे क्योंकि तोरई बहुत थोड़ी सी रह जाती है, अक्सर पालक में तोरई में नमक ज्यादा हो जाता है, तो पकने के बाद इसकी क्वांटिटी देखेंगे उसके बाद में नमक डालेंगे। 3 सीटी हो गई हैं, अब थोड़ी देर हम कुकर को बंद रखेंगे, ठंडा होने के बाद खोलेंगे। सब्जी ठंडी हो गई है, आइए कुकर खोल के देखते हैं। सब्जी ऐसी बनी है, गल गई है हमारी सब्जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी। अब हम इसको एक बार गैस पे और चढ़ाएंगे। गैस पे चढ़ा दी है, देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाएंगे। एक खोल आने देंगे इसमें, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक बाउल में सब्जी निकालेंगे अब हम। देखिए कितनी अच्छी सब्जी तैयार हुई है तोरई की, व्रत में खाने के लिए ये बहुत हेल्दी और बहुत पौष्टिक भी है। एक तो तोरई और टमाटर खूब सारे पड़े हुए, तो व्रत में ऐसी चीजें खाने से डाइजेशन सही रहता है और बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है, इसलिए हमें लौकी, तोरई, टमाटर ये जरूर खाने चाहिए अगर आप व्रत में खाते हो तो, अगर नहीं खाते हो तो आप ना खाएं। और ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है, एक साथ कुकर में डाल दो, कुछ नहीं करना है, आधा चम्मच घी में बनके तैयार हो गई है सब्जी। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।